ये 92वां मैच है और ये T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का 10वां मैच है। इस मैच पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का सिद्धांत लिया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और ये एरन वैली स्टेडियम पर खेला हो रहा है ये मैच, और ये पिच काफ़ी कठिन है बैटिंग करने के लिए। और अफगानिस्तान ने पहले निर्धारित 20 ओवर में बैटिंग करते हुए 115 रन 5 विकेट खोकर बना लिया, और बारिश का अंदेशा था और बारिश अभी भी हो रहा था और मैच पर काफ़ी खलल डाली बारिश ने। और ये मैच को जो टारगेट है बांग्लादेश को दिया गया था वो 19 ओवर का कर दिया गया था, और 19 ओवर का 114 रन का टारगेट बांग्लादेश को दिया गया था। और बांग्लादेश का बैटिंग भी काफ़ी ख़राब रहा, और बांग्लादेश अभी 105 रन 9 विकेट खोकर है अभी। तो मैच किसी भी मोड़ घूर सकते हैं। अभी अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट पर है, क्योंकि बांग्लादेश का लास्ट विकेट है और रेन यानी कि बारिश अभी भी खलल डाल रही है, बारिश के कारण खेल थोड़ा रुका हुआ है। बांग्लादेश को अभी 9 रन चाहिए, 8 बॉल बाकी है। करंट रन रेट है 5.94 और रिकर्ड रन रेट 6.75 है। तो यहाँ से किसी भी और मैच जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान में बैटिंग की बात की जाए तो रहमान अल गुरबाज विकेट कीपर 43 रन बनाया, उसके साथ साथ इब्राहिम जदरान ने 18 रन बनाया है, और असमतुल्ला मर्जा ने 10 रन बनाया, और राशिद खान ने 10 बॉल पर 19 रन बनाकर एक अच्छी स्कोर फाइटिंग स्कोर पर अफगानिस्तान को ले गया। अगर बांग्लादेश की बैटिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन लिटन दर्श अभी भी 54 रन बनाकर नॉट आउट है, 49 बॉल का सामना किया है, जहाँ पर 5 चौके और 1 छक्के शामिल है। उसके साथ साथ सोमेश्वर का 10 रन और तौहीद हिदायत 14 रन बनाए हैं। तो अभी बांग्लादेश का लास्ट विकेट अभी चल रहे है, बैटिंग विकेट लास्ट विकेट लेकर बांग्लादेश अभी खेल रहे हैं। ये तो ऋषभ पंत ने 3 विकेट, उसके साथ साथ तस्कीन अहमद, शाकिबुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट निकाला। नबीनुल हक ने 3 विकेट निकाला, उसके साथ फजल फारूकी 1 विकेट, और उसके साथ राशिद खान ने बेहतरीन 4 विकेट निकाला यहाँ से, और गुलाम नैब ने 1 विकेट निकाला, और गुलबुद्दीन नैब ने 1 विकेट निकाला। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।